सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बोल सांचे दरबार के जय ओम श्रीगणेशाय नमः ओम वक्रतुंड सप्तशलके दुर्ग शिववाच देवे त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायणे अलौकिकाय सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः द्विभ्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वे ससाधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्ब श्रुतिः प्रकाशते ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणऋषेः अनष्टप् छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्रीदुर्गामित्यर्थौ सप्तश्लोके दुर्गापाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनाम विजयतांसि देवे भगवते सा बलदकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षभेतिमशयजन्त स्वस्ते स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारणिका तुरन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्राहिणो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते रोगा न शेष न पहंस दुष्टा दृष्टा दुःखामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां नृपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां भयान्ति सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्माभिर्विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गस्तोत्रे शतनाम स्तोत्र ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलाननने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति ॐ सति साधुभिः भव प्रीता भवानी भवमोचने आया दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपा चिदाचिदिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्द स्वरूपणि आनन्द भावणि भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधान कलमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमाक्रूर सुन्दरे सुरसुन्दरी
वन दुर्गा च मातंगे मदंग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरे चैन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुंडा जय बवाराहे लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिहि विमलोत्कर्षणे ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हरणे महिषासुरमर्दिनि मधुकैणवहन्त्रे च चण्डमुण्ड विनाशिनि सर्वासुरविनाशा च सर्वदा नवघातिनि सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाश्रधारणे तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारणे कुमारे चैकन्या च कैशोरे युवते यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकाशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखे कालरात्रे तपस्विनी नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने या इदं प्रवरे नित्यं दुर्गा नामा सदाशुकम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हसिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चाण्डे लभेन्मौत्यं च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरी पूजय त्वया भक्त्या पठे नामा शताशिकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्य श्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुञ्जमेन सिन्धुरकर्पूरमधुत्रेण विलक्ष्यान्द्रां विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रवणे स्तोत्रं सर्वभे सम्पदा पदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी कार्यवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य करें माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षफल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा
मैं भगवती की स्तुति करते ही माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बे की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणान भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवच ॐ अस्य श्रीकण्ठे कवचस्य धर्मार्षे अनष्टम छन्दः चामुण्डा देवता अञ्जना सोतमातरो वेदम् देवन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजलम्बामित्यर्थे सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरणिणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच असि गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यशोकवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायणीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तितः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव वियातः शरणं गतः। न तेषां जायते किञ्चिदशुभवृणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये सुभक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः वेदसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना रेन्द्रीग्रसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोग समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्याक्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेडकं दोमलं चैव परशुं पाशमेव च कुण्टायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै। नमस्ते सो महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देव दुःश्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धिनि प्राचां रक्षत मामेन्द्रे अग्नेयमग्निदेवता दक्षिणे वधु वाराहि नैरित्यां मृगधारिणी प्रदेचां वारुणे रक्ष वायव्यां मृगवाहिनी उदेचां पातु कौमारे एषाणां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्तावैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जय मे चागतः पातु विजय पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामध्योतने रक्ष उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता
मालाधरी ललाटे च प्रभोरक्षे यशस्वनी त्रिनेत्रा च प्रभोर्मध्ये यमघण्टा जनासिके शङ्खणी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्ष कर्णमूल दुशाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च जर्चिका अदरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तारक्षत कौमारे कण्ठदेशे दुचण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे जव कवरक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला देवायां भद्रकाले च पृष्ठभंश धनोधरे नीलग्रीवा महे कण्ठे नलिकां जलकोवरे सन्ध्यो खड्गणे रक्ष बाहु मे वज्रधारणे हस्तयो दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाञ्जूलेश्वरे रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरे सनारक्ष महादेवी महाशोकविनाशिनि हृदे ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नाभौ च कामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा बोधना कामिका मेढं गुदय महिषवाहिणि कथ्यां भगवते रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनि जङ्घ्र महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिणि गुल्भयो नारसिंहे च पादप्रेषयदुदेजसि पादाङ्गुलेषु शिरक्ष्य पादादस्सलवासिनि नखान्द्रष्टाकराले च केशां सेवर्भगेषणि रोमकोपेशकोबेरे त्वजं वागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मूर्तेश्वरि पद्मावती पद्मकोशे कफे चोडामणेश्वरा ज्वालामुखेन ज्वालाम् अवेद्या सर्वसन्दशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं महाबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारणे प्राणापानौ तथा व्याणम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना हर्षे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च लोकणे सत्त्वमृयस्तमस्यैव रक्षे नारायणे सदा आयुरक्षत वाराहे धर्मौ रक्षत वैष्णवे यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षत भैरवे पन्थानां सर्वदा रक्ष्य मार्गं क्षेमकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीणां दुःस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ति पापनाशिनि पदमेकं न गच्छतु यदेक्ष शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयोजयते मर्त्यः सङ्ग्रामेश्वपराजितः त्रैलोके दुवभेद्भोजः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामविदुर्लभम् यः पठेत्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कलाभवे तस्य त्रैलोकेश्वपराजितः जीवे पश्यतं साग्रम् अवमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे लोता विस्फोटकादयः सावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्भृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजलाभ्यजलाश्व जलजाचोपदेशिकाः सजागुलजमाला ढाकने शाकने तथा अन्तरिक्षजराघोरा ढाकिन्न च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचे हृदि संस्थिते मानव देवभे राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं वरम् यस्य वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जमे सप्तशतं दण्डं कृत्वा दो कवचं पुरा
यावद्भुवमण्डलम् धत्ते दशलोभनकाननम् तावत् तिष्ठति मे दिव्याम् सन्तति पौत्रपौत्रिके देहान्ते परमवसानम् यसुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमम् रूपम् शिवेन सह मोदते ॐ अथे अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो अनुष्टुम् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सौतिषते पाठगत्वेन जपेऽभिनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ते मङ्गलकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोऽस्तु ते जय त्वम् देव चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमोऽस्तु ते मधुकेणवभद्राभि विधात्रे वरदे नमः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानाम् सुखदे नमः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि रक्तबीजवधे देवे चण्डमुण्डविनाशिनि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धुम्राक्षस्य जमर्दने रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि वन्दिताङ्गियुगे देवे सर्वसौभाग्यदायिनि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि अजेन्द्ररूपचरित सर्वशत्रो विनाशिनि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि सुमध्वो भक्तिपूर्वम् त्वम् चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि चण्डिके सततम् जय त्वम् अर्चयन्ति ह भक्तितः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमम् सुखम् रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि दशतानाशम् विदेहि बलमुच्चकैः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि देवि कल्याणम् विदेहि परमांशियम् रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरण्यम्भिके रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावन्तम् यशस्वन्तम् लक्ष्मीवन्तम् जनम् कुरु रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचण्डवेदर्वणे चण्डिके प्रणताय मे रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भजय चतुर्भक्त्र संसुते परमेश्वरि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेन संसुते देवे शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचलसुधानाथ संसुते परमेश्वरि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि देवे प्रचण्डदोदण्डदेतदर्पविनाशिनि रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि देवि भक्तजनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुशो जहि पत्नीम् मनोरमाम् देहि मनोवृत्तानुसारिणि कारिणीम् दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवान् इदम् स्तोत्रम् पठित्वा तु महास्तोत्रम् पठे नरः स तु सप्तशते सङ्घमाप्नोति सम्पदम् अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलमन्त्रस्य
शिव ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्वियाणि या मन्त्राणामभिकीलकम् स्वाभिक्षेमो वाप्नोति सततम् चाप्यदस्त्रः सिद्ध्यन्तु चारणादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवताम् देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्राणौषधम् तत्र न किञ्चित् विभिद्यते विना चापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमामहः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् वैचण्डिकायासो तच्च गुप्तम् जगादशः समाप्तेण य पुण्यस्य ताम् यथा वर्णयन्त्रणाम् सोऽभिक्षेमो वाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दशमष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिष्कीलाम् विधायैणाम् नित्यम् जपति सस्फुटम् सा सिद्धागणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न जैवापृणतस्तस्य भयम् क्वापि ह जायते नाभमृत्यो वशम् याते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत नागरो वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनायणे तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् क्षणेषु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्त्यर्चकैः भवत्येव समग्रापि पुनः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणिः परो मोक्षः स्तूयते सारणकिञ्जने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रे भगवति दुर्बलवर्षण दुर्धर दर्शन दुर्मुखमर्षण हर शरते त्रिभुवन भोजन शङ्कर दोषण कृषभोजन कौशलते धनुधन रोषण सुखरोषण दुर्मदोषण हे महिषासुरमर्दयम् कपरदन शैलसुते I'm gonna go to the
लास्ट पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणी हृयन्ते हरण क्षमयामिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् भोजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यद्भोजितं मया देवि परिपूर्णं त्वदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्भे शोचरे ज्ञानगतिं समात्मते न
ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन पर इस प्रकार से इस माँ जगजन्य जगत माता की कृपा होती है और माँ की कृपा से वह भक्तजन, वह साधक जन धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य जगत माता के चरण में बैठ करके इस माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कब कैसे देव कृपा हो जाए इसका पता नहीं चलता। वास्तव साधक जो है उस माँ भगवती आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं, माँ का स्मरण करते ही इस माँ जगजन्य जगत माता के और शरणागत भक्तों पर अवश्य कृपा होती है। जब हृदय से माँ को वे पुकारते हैं तो माँ भी उनकी पुकार को सुनती है। ऐसी बात नहीं होती कि भक्त जो है माँ को याद करते हैं और माँ उन्हें याद नहीं करती। माँ भी उन्हें याद करती है, तभी तो वह भगवती जो है उन्हें अपने दरबार में बुलाती, उनकी पुकार सुनती है, अपने दरबार में बुलाती है, अपने चरण बैठाती है और सब और सुन भक्तों का कल्याण करती है। उनके कष्टों को, उनके दुखों को दूर कर करके सब और से उन भक्तों का मंगल करती है। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन अपना कल्याण चाहते हैं
अपना विधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रजदन पूर्वक इस प्रकार से माँ भगवत की शरणागत होकर के ये देवी की पूजा शक्ति उपासना जो देव आराधना जो अवश्य करनी चाहिए। नाम जप भगवान का स्मरण जो है तीर्थाटन इस तरह से दीन दुख की सेवा परोपकार करना धर्म कर्म करना जो करने से ही मनुष्य के पापों का नाश होते हैं उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। सभी विघ्न बाधा दूर होती है कष्ट दूर होते हैं। इस धर्म में मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं श्रीमद् भागवत का। भागवत में कथा आती है पूर्व काल में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। उसके पिता जो बड़े विद्वान थे और पुत्र जो है वैवि धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मन कुल कर्म किया करता था। भगवान की आराधना करना जग अनुष्ठान करने के लिए संध्या लाना हवन सामग्री जो है एकत्रित करना और पिता के साथ बैठ करके धर्म कर्म करना जप करना पाठ करना इसका ध्यान करना। कहते हैं संग से ही मनुष्य का जीवन सुधरता है और संग से ही मनुष्य का जीवन बिगड़ता भी है। सत्संग अच्छा संग प्राप्त हो तो मनुष्य का जीवन जो बदल जाता है वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। और कुसंग जो संग जो है संग से ही व्यक्ति जो है सुधरता है और संग से बिगड़ जाता है। सुसंग अच्छा संग मिले तो व्यक्ति जो है उसका जीवन सुधर जाता है कल्याणमय होता है उसका जीवन दिव्य हो जाता है पर पवित्र जीवन हो जाता है। बुद्धि पवित्र होती है जीवन पवित्र होता है जीवन यात्रा जो है सुखद हो जाती है। और वही कुसंग से जो है मनुष्य के जीवन दुख आते हैं कष्ट आते हैं विपत्तियां आ जाती हैं जीवन नरक बन जाता है। इसलिए हमेशा यह अच्छा संग ही करें। और यामिल जो था वह धर्म के मार्ग पर चलता धर्मानुकूल कर्म करता था। एक बार वन में गया था संध्या लेने के लिए हवन करना था और वहीं कुसंग देखा कुसंग लगा और इस प्रकार से ऐसा कुसंग मिला कि जीवन नरक बन गया। पिता की धन संपत्ति बर्बाद कर दी वेश्या के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार से चलते चलते कहते हैं कि 10 पुत्र थे उसके। चोरी करता दुराचार व्यभिचार इस प्रकार से परिवार का पालन करता। कहती ही कि जो मैं आपको बतला रहा था कि कब देव कृपा हो जाए कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे हाथ में जो है कर्म है कर्म फल नहीं। और जीवन में जो अच्छे कर्म किया होता है उसका ही फल होता है जो बुरा कर्म किया होता है उसका ही फल होता है। फल तो सबका है और कब उसका फल मिले वह तो विधाता और भगवती जानती है। इस प्रकार जीवन चलता रहा कहीं उसके पुण्य उदय हुए कोई पूर्व जन्म के ऐसे कोई पुण्य कर्म जो थे उनका उदय हुआ। कहते हैं कि 5 संत और देव जब कृपा करते हैं जीवन में संतों को भेजते हैं संत दर्शन होते हैं। 5 संत जो थे अपने आश्रम से निकले और प्रतिज्ञा की आज हम ऐसे घर का अनुग्रहण करेंगे जहां पर प्रतिदिन पूजा पाठ होता होगा जहां पर गौ के गोबर का चौका लगता होगा जहां पर जो है अतिथि सेवा होती होगी जहां पर जो है बड़ों का मान सम्मान होता होगा ऐसा पवित्र घर जो है भोजन करेंगे नहीं तो आज अनग्रहण नहीं करेंगे ऐसा संकल्प उन संतों ने लिया। और ये संकल्प लेकर के वेश्या के लिए निकल पड़े और उसी नगर में आ गए जहां पर अजामिल रहता था। जिस घर में जाए तो उनसे पूछें आपके घर में अतिथि सेवा होती है प्रतिदिन जो है देव आराधना होती है योग जगती है पूजा होती है हवन होता है बड़ों का आदर सत्कार होता है तो जो इस प्रकार से जो कहते हैं हमारे तो नहीं होता भाई। ऐसे चलते चलते जो है सायंकाल हो गया
सायंकाल का समय हुआ, कहीं ऐसा घर मिला नहीं जहां पर गौ के गोबर का चौका लगता हो, प्रतिदिन भगवान को भोग लगता हो, अतिथि सेवा होती हो, ऐसा कोई घर मिला नहीं, ऐसा पवित्र घर जो है। और सायंकाल हो गया, भोजन मिला नहीं, भूखे हैं संत। रास्ते में जो है कुछ बालक जो थे वे खेल रहे थे, उन बच्चों से उन संतों ने पूछा कि ऐसा कोई घर है जहां पर संत सेवा होती हो, जहां पर पूजा पाठ होता हो, बड़ों का आदर सत्कार होता हो, ऐसा घर पवित्र जो है जहां पर गौ का गोबर लगा करके भगवान को भोग लगाया जाता हो, सुबह से में अन्न नहीं मिला है, ऐसा कोई घर है पवित्र कोई जहां पर साधु संतों की सेवा होती हो। और बच्चे जो है वह खेल रहे थे, बच्चे जो है वह कहने लगे, हाँ एक घर है इस नगर में, एक ही घर। वह किसका? अजामिल का। ऐसा घर बतलाया कि जहां पर जो है वेश्य के साथ रहता है, दुराचारी है, इस प्रकार चोरी करता है, ऐसे घर में जा पहुंचे और जो है अब भिक्षक ने हांक लगाई, पूछा जहां पर यह सब होता है। वेश्य के मन में आया कि पहली बार जीवन में संतों का आगमन हुआ हमारे घर में। संत कह रहे हैं जहां पर चौका लगता गौ के गोबर का, मन विचारे मैं संतों की सेवा करूं, गौ का गोबर ला करके चौका लगाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, संतों की सेवा करूंगी। उसने कहा हाँ जहां पर सब होता है आप आइए महाराज, आप आए अपने चरण रखिए, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। संत जो है तपस्वी होते हैं तब का फल अद्भुत होते हैं, और ऐसे संतों के चरण जो है जिस घर में पड़ते हैं वह घर भी पवित्र हो जाता है। आज वह घर पवित्र हुआ, देव कृपा हुई, संत का आगमन हुआ, और यामिल जी घर में थे नहीं, वह अपने कार्य के लिए गए थे, और पत्नी ने उनका स्वागत किया, गौ का गोबर लाया, चौका लगाया, और जब जो है अब जो है अन्न बनाने लगे तो उन्होंने कहा हम तो स्वयं पाची हैं, हमें आप अनाज दे दीजिए, हम जो स्वयं जो है भोजन बनाएंगे। सब व्यवस्था करते और जब संत जब भोजन बनाने लगे, भोजन तैयार हुआ और जो अब जो है भगवान को भोग लगाना है। संत बैठे हैं, भगवान का स्मरण किया, भगवान को भोग लगाया, और फिर जो है स्वयं जो है संत भोजन करने लगे। भोजन पा रहे थे इतने में अजामिल भी आ गए, देखा संत बैठे हुए, संत दर्शन हुए, तो दर्शन से पापों का नाश होता, मां के दर्शन करते हैं। अब देखिए जहां पर जय भगवती आदि शक्ति जो है, जय तपोभूमि है, तपस्थली है, जहां पर भगवती आदि शक्ति जो समचे जल सारे संसार कर चेते हैं, इस पिंड के जो इस गुफा के अंदर दिव्य पिंड को राजमान होकर तप कर रही हैं जय भगवती तपस्विनी है, और तब करें जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगे पापों का नाश करेंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे। भक्तजन माँ के दर्शन के लिए आते, माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ का आशीर्वाद मिलता है तो उन भक्तों के पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। ये दर्शन फल है, दर्शनों का फल, सेवा का फल। संतों के दर्शन हुए तो अजामिल का हृदय परिवर्तन हुआ, घर में संत आए, भोजन पा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। अब जो है संतों को देख के उसने प्रणाम किया, संत ने भोजन पाया, भोजन करने का प्राण जो है सोचने लगे हमने जहां पर भोजन प्राप्त किया है इस परिवार का कल्याण कैसे हो, इसका कल्याण करना चाहते हैं। और जामिल से कहा महाराज हमने भोजन तो पा लिया, अब जो है हम दक्षिणा चाहते हैं, दक्षिणा देंगे तो जो है ये यज्ञ सफल होगा। जामिल ने कहा देखो आप जहां पर आ गए, भोजन प्राप्त कर लिया, आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं अजामिल हूं, चोरी करता हूं, सब सत्य बतला दिया, दुराचारी हूं, पापी हूं, यही अच्छी बात है, मैंने आपको कुछ कहा नहीं, यही आपकी दक्षिणा है। अब कहने लगे इसके घर में भोजन तो कर लिया, जैसे चलो बच्चों ने कहा था हम आ गए, ये भी कोई देव इच्छा थी, परंतु परिवार का कल्याण कैसे हो, यदि हम इसको कोई मंत्र देते हैं तो ये तो जपेगा नहीं,
ये तो जपेगा नहीं, बहुत पाप किए इसने, कैसे जो ये जप करे, कैसे इसका कल्याण हो सके। देखा यामल की पत्नी उस समय गर्भवती थी। संत ने कहा यामल हम आपके घर में आए, आपकी पत्नी सेवा की, आपने हमें प्रणाम किया है, आपके घर में भोजन प्राप्त किया है, इसलिए हमारी एक इच्छा है उसको पूरा करना। यामल ने पूछा बतलाइए क्या इच्छा है, तो कहा आपकी पत्नी गर्भवती है, आपके घर में जो संतान होगी उसका नाम जो है आप नारायण रख देना, नारायण रख देना। तब अजाम ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, पहली बार संतान होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु ठीक है जो कह रहे हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है उसका नाम नारायण रखने में। संत ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ समय का अपराध उनके घर संतान हुई, संतान सुख की प्राप्ति हुई, कहा जो कहा था वो तो हुआ, संतान हुई। और संतों ने कहा कि इसका नाम जो है, पत्नी कहने लगी कि इसका नाम नारायण रखने के लिए उन्होंने संतों ने कहा था, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा ठीक है, नारायण नाम रखा, बालक बड़ा सुंदर था, संतों का आशीर्वाद था, बड़ा सुंदर था, जैसे जैसे बढ़ने लगा बड़ी तोतली बातें करता, और यामिल जब उसको देखता बड़ा प्रसन्न होता उस बालक को देख करके, और बार बार कहीं थोड़ा सा दूर चला जाता उसको बुलाता नारायण नारायण जो है, अब दिन भर जो है नारायण को पुकारता। आयु बढ़ चुकी थी, वृद्धावस्था आ गई, तो जो है अब जो है उस बच्चे को बार उसी में इतनी आसक्ति थी, नारायण 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 कहाँ कहाँ चला गया, उसी को पुकारता रहता। इस प्रकार कहते हैं कि अंतिम समय आ गया, बहुत पाप थे, पापों का फल मिलने लगा, तो जमदूत आए उसको लेने के लिए, उसको सूक्ष्म शरीर को जो जब निकालने लगे तब घबराया। ऐसे भयंकर दूत जो थे जिन्हें देख करके इतना भयभीत हुआ और चिल्लाता हुआ नारायण को पुकारने लगा, नारायण कौन, अपना ही बेटा, नारायण को पुकारते हैं, नारायण हे नारायण इधर आओ। जब उन्होंने बार बार पुकारा, हृदय से पुकारा, तो कहते हैं जमदूतों के स्थान पर अब जमदूत उसको खींच करके ले जा रहे हैं, परंतु वहां पर विष्णु दूत आ गए, उन्होंने उसको जो है उसको पास से मौत किया। जमदूतों से मौत करके उन्होंने कहा कि ये तो विष्णु भक्त है, उन्होंने कहा जिसे अपने पुत्र को बुला रहा है नारायण, उन्होंने कहा चाहे कैसे भी अंतिम समय में इसने अपने जो है परमपिता परमात्मा को पुकारा, उसका नाम उच्चारण किया नारायण। तो इसलिए हम जो है देवदूत जहां पर, विष्णु दूत जहां पर आए हैं, इसलिए क्योंकि अभी इसकी आयु शेष है, अभी इसके 10 वर्ष आजू है, जब पूर्ण आज को भोग करेगा आप इसे नहीं ले जा सकते। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते कि उस समय वह जमदूत उसको छोड़ करके चले गए, और वह देवदूत विष्णुदूत भी जो है वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस सारा दृश्य अजामिल ने देखा, अद्भुत घटना हुई, विचार करने लगा कि जो संतों ने आकर जो कहा था आज भी आशीर्वाद फलीभूत हुआ कि पुत्र का नाम नारायण रखा, नारायण उच्चारण करने से जो मैंने तो पुत्र का नाम उच्चारण किया, और कृपा परमपिता परमात्मा की होगी, मन जमदूतों से छूट गया। जब ऐसे नाम उच्चारण करने से ऐसा उसका फल होता है, फिर जो श्रद्धा युद्ध होकर उसी का जो नाम स्मरण करता है, उसी का ध्यान करता है, उसी के नाम का जप करता है, उसका कैसा फल होगा। शेष आज जो बची है क्या वह सब सुन चुका था, कभी 10 साल बाजू शेष है, वो मुझे समय मिला है, इसलिए जीवन में कुछ, क्योंकि राजा परीक्षित हुए थे, ऋषि ने जब श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्ष जो तुझे काट लेगा आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित ने क्या किया था, राज्य का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, और गंगा तट के किनारे बैठ करके जो है उसने यही प्रश्न किया था ऋषि मुनियों से, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा सत्कर्म है, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जो विशेष करके अंतिम समय में जिसके करने से मनुष्य को कोई पाप ना लगता हो, वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता हो, ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई सत्कर्म, ऐसा कोई पुण्य कर्म हो वह मुझे बतलाइए। तो समय जो है सुखदेव ने उन्हें 7 दिन भागवत की कथा सुना करके सुखदेव जी को मोक्ष प्राप्त करवा दिया था। समय मिले अजामिल को, समय मिला कि 10 वर्ष अभी आजू शेष है,
तो घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, गंगा तट के किनारे चले गए हरिद्वार में, वहां जाकर के जो है भगवान की साधना करने, नाम जप, नारायण नारायण इस प्रकार से भाई नाम जप करने लगे। गंगा तट के किनारे बैठ करके जब भूख लगती भिक्षा मांगते, भिक्षा भी जो है पहले माँ गंगा को भोग लगाते, कैसे उस अन्न को जो है माँ गंगा को अर्पित करते गंगा जल में, फिर जो है गंगा जल में डुबोने के उपरांत जो माँ को भोग लगाने के उपरांत फिर जो है उसको ग्रहण करते थे। ऐसी साधना की 10 वर्ष जो है, और इस प्रकार साधना का फल क्या हुआ, या जामिल जो था अनेक पाप किए थे परंतु अंत में उसे परमोक्ष की प्राप्ति होगी। बोले सच्चे दरबार की जय। ये फल होता है सत्कर्म का, पुण्य कर्म का, जप का, पाठ का, क्योंकि जीवन में जी हर दिन तो ऐसा मौका मिलता नहीं, उसकी कृपा होती है। माँ के दरबार में आए हैं और जहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत सारे लोग पीछे लाइन में लगे थे, सोचा नहीं था कि आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु माँ की कृपा हुई, उसने बुलाया बिठाया और बहुत सारे अभी पीछे प्रतीक्षा में खड़े भी हैं। इसलिए जब इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो, इस जगजननी जगत माता का हृदय से धन्यवाद करते हुए माँ से यही प्रार्थना करना, माँ आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से ये शुभ घड़ी पुण्य कर्म करने की हम प्राप्त हुई है, हे माँ इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, अपने चरणों के साथ इसी प्रकार लगाए रखना, ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसा हमें आशीर्वाद देना, ऐसा हमें वरदान देना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माँ भगवती आदि शक्ति जिसके दर्शनों के लिए, जिनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इस जगजननी जगत माता के दर्शन करते हैं, वह भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के रूप विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। माँ भगवती जो मूल जड़ से जो है एक ही पिंडी है, मूल आधार जो है माँ का एक ही है, और ऊपर आकर 3 शक्ति बन गए, 3 स्वरूप हो गए हैं, और उन तीनों महाशक्तियों के दर्शन में पिंडी के रूप में दुर्गा सरस्वती में इसका जो वर्णन मिलता है, शास्त्र में भी जो शक्ति की जो है जो बात बतलाई गई है, वह आद्य शक्ति जो है वह एक है, अजन्म है, निस्वरूप है, संपूर्ण जग उन्हीं का रूप है, आद्य शक्ति एक ही है। जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है उस समय जो भगवती 3 रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए जो उत्पन्न होती है उस समय संसार में जे उत्पन्न हुई कहलाती है। तो जहां पर वह देखें कि भगवती का मूल आधार एक है, मूल जड़ से 5.5 फुट की पिंडी है, ऊपर आकर के 3 पिंडी के रूप में जो विराजमान हुई, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 3 पिंडी जो है, और फिर माँ वैष्णव जो है। कई बार भक्त भी ये शंका करते हैं कि 3 पिंडियों के दर्शन हैं और वैष्णव की पिंडी कौन सी है, वैष्णव पिंडी जो है ये क्या है कि इन्हीं शक्तियों से ही जो मैंने को बतलाया कि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय संसार में इनका प्रादुर्भाव होता है, जो प्रकट होती है। जब देवताओं कष्ट कोई कष्ट आते विपत्ति आती है तो देवगण इसी भगवती की उपासना करते हैं, माँ का किसी न किसी रूप में प्रादुर्भाव होता है, तब जो देवताओं का कार्य सिद्ध करती है, भक्तों की रक्षा करती है। तो माँ वैष्णवी जो है इन्हीं आदि शक्तियों से, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, इन्हीं आदि शक्तियों से माँ वैष्णवी का जो है ये त्रेता युग में प्रादुर्भाव हुआ था। जी रत्नाकर सागर के घर में जे कन्या के रूप में जे प्रकट हुई थी, इन्हीं शक्तियों से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, और त्रेता युग में भगवान श्री राम की आज्ञा से जी भगवती माँ वैष्णवी जो थी ये यहाँ पर आई थी, इस पिंडी के रूप में इस गुहा के अंदर अपना जो रूप था वह संभाल लिया था। इसी पिंडी के रूप में जहाँ माँ वैष्णवी जो है यह तप कर रही है, जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा। इसलिए दुर्गा सबसे में आता है कि तुम वैष्णव शक्ति अनंत वीरजा विश्व से वीरजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेहतर तुम भी प्रसन्ना भूमुक्ति हेतु। ये भगवती अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति, क्योंकि इन तीनों देवियों ने जब इनको प्रकट किया था तो तीनों देवियों ने अपनी शक्ति जो थी माँ वैष्णव को दी थी, तुम वैष्णव शक्ति अनंत वीरजा। इसलिए उन शक्तियों संपन्न होकर के जो माँ वैष्णवी जो थी, भगवान श्री राम ने जो है
उस समय यही इनको कहा था कि जो है आप उत्तर में त्रिकोण पर्वत पर जो है एक श्रम गुफा है वहां पर जाकर के आप वहां पर पिंडी ग्रह में माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती वहां पर विराजमान है तप करती ही उन्हें बैठ कर तप करो और जो भी भक्तजन तेरे दर्शन के लिए वहां पर आए उनके मनोरथों को पूर्ण करना और मेरे आने की प्रतीक्षा करना क्योंकि आपकी मनोकामना कलयुग में आएगी। जब घोर कलयुग आएगा तब मैं कल्कि का अवतार लूंगा उस समय मैं आपका भरण करूंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए जब घोर कलयुग आएगा तब माँ भगवती का भी प्रादुर्भाव होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तुझे देवी भगवती तीन पिंडी गुरु विराजमान है जो भगवती आदि शक्ति शरणार्थ भक्तों को माता महाकाली ये शक्ति का वरदान देती है शत्रु का नाश करती है रोगों से मुक्ति देती है भगवती महालक्ष्मी जो है जो धन लक्ष्मी का वरदान देती है और माँ सरस्वती विद्या बुद्धि का वरदान देती है। इस प्रकार जब तीनों शक्तियों का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होते हैं और उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा श्री विजय कुमार जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों संकीर्तन में सहयोग देना सा मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार जी जय शेरोवाली जी का महो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में महो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में हर कोई लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में हर कोई लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में महो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे सभी हाथ खुल कर डेले ताली नहीं ताले के आवाज माई के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी होकर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें आपके झोलियाँ भरे आपकी मर्यादा पूरी करें आपका जीवन खुशी से भव्य करके शेर पे सवार माता ज्वाला देवी आ गई शेर पे सवार माता ज्वाला देवी आ गई ओ शेर पे सवार माता ज्वाला देवी आ गई शेर पे सवार माता ज्वाला देवी आ गई ओ ज्वाला देवी आ गई माता सरस्वती खा गई ज्वाला देवी आ गई माता सरस्वती खा गई ओ ज्वाला देवी आ गई माता सरस्वती खा गई ज्वाला देवी आ गई तो का हुआ चमत्कार मैया जी तेरे मंदिरों में जो तो का हुआ चमत्कार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में चिंतपूर्णी आ गई चिंतपूर्णी आ गई शेर पे सवार माता चिंतपूर्णी आ गई सवार माता चिंतपूर्णी आ गई चिंतपूर्णी आ गई माँ सरस्वती खा गई चिंतपूर्णी आ गई माँ सरस्वती खा गई वो चिंतपूर्णी आ गई माँ सरस्वती खा गई चिंतपूर्णी आ गई माँ सरस्वती खा गई भी करते पुकार मैया जी तेरे मंदिरों में भक्त भी करते पुकार मैया जी तेरे मंदिरों में महो
तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मंदिरों में। शेर पे सवार माता मनसा देवी आ गई, शेर पे सवार माता मनसा देवी आ गई, शेर पे सवार माता मनसा देवी आ गई, शेर पे सवार मनसा देवी आ गई, मनसा देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई, मनसा देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई, ओ मनसा देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई, मनसा देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई। भक्तों का होता है उद्धार मैया जी तेरे मंदिरों में, भक्तों का होता है उद्धार मैया जी तेरे मंदिरों में। हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। शेर पे सवार माता नैना देवी आ गई, शेर पे सवार सवार माता नैना देवी आ गई, सवार माता नैना देवी आ गई, नैना देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई, नैना देवी आ गई माँ दर्श दिखा गई। होते भगत माला मान मैया जी तेरे मंदिरों में, होते भगत माला मान मैया जी तेरे मंदिरों में। कतार मैया जी तेरे मंदिरों में, भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में। शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई, 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 वो शेरों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई, शेरों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई, वो शेरों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई, शेरों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई। भक्तों पे होता उपकार मैया जी तेरे मंदिरों में, भक्तों पे होता उपकार मैया जी तेरे मंदिरों में। मारो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। शेर पे सवार माता महाकाली आ गई, शेर पे सवार माता महाकाली आ गई, शेर पे सवार माता महाकाली आ गई, महाकाली आ गई माँ महाकाली आ गई, महाकाली आ गई महाकाली आ गई। दुष्टों का करे वो सहार मैया जी तेरे मंदिरों में, दुष्टों का करे वो सहार मैया जी तेरे मंदिरों में। मारो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, सवार माता ज्वाला देवी आ गई, शेर पे सवार माता ज्वाला देवी आ गई, वो शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई, शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई, वो जोतों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई, जोतों वाली आ गई माँ दर्श दिखा गई। मिटता है सब अंधकार मैया जी तेरे मंदिरों में, की लगी है
मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में 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 जयकारा शेरा वालिदा सच्चे दरबार की जय तभी भजन पर सुकरण श्री नरेंद्र जी जयकारा शेरा वालिदा का बोल सच्चे दरबार की जय मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा आपकी कृपा से सब काम हो रहा माँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा करती हो तुम ही मैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही मैं तो नहीं हूँ
अब ये तमाम हो रहा है तेरी प्रेरणा से अब ये तमाम हो रहा हो माँ तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा काम हो रहा मेरे जैसे लाखों होंगे तेरे जैसा कौन होगा मेरे जैसे लाखों होंगे तेरे जैसा कौन होगा मेरी दुआ पे अब तो ध्यान हो रहा है तेरे भक्तों के दिलों में तेरा ध्यान हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा जय करा शिव बोल सच्चे दरबार की जय जय हो आद्य शक्ति जय माँ दुर्गा कारी जय हो आद्य शक्ति जय हो दुर्गा कारी जय हो आद्य शक्ति जय माँ दुर्गा कारी जय हो आद्य शक्ति जय माँ दुर्गा कष्ट निवारती तू ही भाग्य विधाता सबकी कष्ट निवारक तू है तू ही भाग्य विधाता जय माँ दुर्गा का जय हो आद्य शक्ति जय माँ दुर्गा काली जय हो आद्य शक्ति जय माँ दुर्गा का दुर्गा काली
आती हूँ श्री रामानी अम्बे हो माँ जगदम्बे आती हो श्री रामानी अम्बे हो माँ जगदम्बे स्मरामी श्रद्धेन्दु कर जलाभा सदरत्न भण मकर कुंडल हार भूषण
दिव्याज दस सुनील सहस्रस्ताम रक्तो पलाव चरणाम भवते परेशान प्रातर नमामि महिषा सुरचंड मंड शुम्भासुर प्रमुख दैत्य विनाश रक्षा ब्रह्मेन्द्र रुद्र मणि मोहन शील लीला चंदे समस्त सर मूर्ति अनेक रूपा प्रातर भजामी भजता विलास धात्री धात्री समस्त जयताम दुरीता भंत्री संसार बंधन हेतु संसार बंध विमोचन हेतु भूताम मायाम परम संदिगम्य परस्य विष्णु सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2070 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु विशाख मास की आज 23 प्रविष्टि शुक्ल पक्ष आज द्वितीय तिथि ही सोमवार तदनुसार 6 मई सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परमावित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परमावित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञा भाने भव भूर्भुवत करणे धाने कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ धलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुण्यरत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस आयुष्मारोग्यमाविदात् शिवमानमहीति धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं ससंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपका सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोलने थाली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरे मैया जय जय Yeah.
बीज मधु कई प्रभ माए की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, 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 जन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। संभल कर बोलने सौभाग्य आरोग्यम, देही सौभाग्य आरोग्यम, देही मे परम सुखम, देही मे परम सुखम, रूपम देही जयम देही, रूपम देही जयम देही, यशो देही दुष जही, यशो देही दुष जही। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। शान्तिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
रत्नेन्द्र जी को वंदन दिए आदि गणेश दिए सिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश जने मां आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया पर चौसठ घड़ी जो चरणा दादा तुमेव मंदो सुरवा तुमेव तुमेव
सदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यावंगं वंदे विष्णु भवहं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं मदाननारायणं कृष्णानन्दं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं भारतीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुरे विजयवारे गोविंद गोपालमर्दन किशोरे ज्ञानं प्रदे शरणं विद्यापदे भगवान् नमस्ते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा हरिपुना रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा कुलाच का माफ करने वाली माता तेरी सदा मरिकड़ा भी ठाग तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्री की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा श्री वालिदा हेलो खाओ इसको खत्म करो फिर और बोलेंगे तेरा हो गया